दोस्तों, रियल टाइम बिडिंग का दौर दौरा चल रहा है हमने प्रीवियसली ग्राफिक डिजाइनिंग की बिड़ की अब हम इस वीडियो में वेब डेवलपर्स को एड्रेस करने जा रहे हैं तमाम वो वेब डेवलपर्स जो चाहे ई e कॉमर्स हो चाहे वर्ड हो चाहे शॉपिफाई हो चाहे मजेंटो हो सिंपल वेबसाइट हो सीएमएस कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड वेबसाइट हो आप यू कैन टेक अ लीफ आउट ऑफ माई बुक फॉर दिस बेट मैं एक सनेरियो बिल्ड करूँगा रियल टाइम आल गो टू गुरु डॉट कॉम और उस पर जाकर मैं एक प्रोजेक्ट सर्च करूंगा और फिर उस पर बेट करूंगा तो आर यू रेडी इफ यस जॉइन मी ऑन द स्क्रीन दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो गुरु डॉट कॉम का होम पेज है और uh, किसी भी प्रोजेक्ट को सर्च करने के लिए सबसे आसान तरीका ऊपर सर्च कर टैब पर क्लिक करें मैंने सर्च के टैब पे क्लिक किया यहाँ पे लेफ्ट साइड पर डिफरेंट स्किल सेट नजर आ रहे हैं और राइट साइड पर प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स में ओवरऑल प्रोजेक्ट्स होते हैं मैंने क्लिक किया वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग पे एंड नाउ आई एम गोइंग थ्रू द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लिस्ट हेयर इनमें से जो मुझे अच्छा लगेगा मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा इसको मैं न्यू टैब पे खोलने लगा हूँ राइट क्लिक किया ओपन ए न्यू टैब ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ ये वो प्रोजेक्ट जो मुझे अच्छा लगा और मैं इस पर बिड करने लगा हूं तो जनाब इस प्रोजेक्ट पे आप देख रहे हैं कि लुकिंग फॉर वेबसाइट फॉर बिजनेस और इसके एक डोमेन रजिस्टर्ड है टी एम डी होस्टिंग डॉट कॉम पे और जनाब इन्होंने एक लोगो भी बनवा लिया है और उस लोगो का जो कलर स्कीमा है वो ये चाहते हैं कि इनकी वेबसाइट पे आ जाए राइट साइड पे आप देखिए वॉर्नर साहब हैं ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक है फीडबैक सो फ़ीसद है और 25 डॉलर इन्होंने ऑलरेडी पे कर चुके हैं विच मींस के क्लाइंट अथेंटिक है और सब कुछ ओरिजिनल है इस प्रोजेक्ट के बारे में जो चीज़ मैंने हाईलाइट किया वो ये कह रहे हैं कि जनाब लोगो हमने ऑलरेडी बना ली है तो लोगों की कॉस्ट बेड में नहीं होनी चाहिए मैं अब जा रहा हूँ इस प्रोजेक्ट पर बेड करने फिक्स प्राइस पर माइल रखा क्योंकि मुझे लगता है कि ये छोटा सा प्रोजेक्ट है और मैं दो तीन दिन में ख़त्म कर दूँगा यहाँ पर मैंने इसका टाइटल देना है और मैं दे रहा हूँ कम्प्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट ड्यू डेट में अब से तीन दिन की दूंगा क्योंकि अगर मैं अवार्ड ले लूं तो मुझे लगता है कि मैं 24 घंटे में प्रोजेक्ट फिनिश कर दूंगा विद इन फोर फाइव आवर्स इन 24 फोर आवर्स छोटा सा प्रोजेक्ट है तो इसकी देर फोर प्राइस भी मैंने बहुत नॉमिनल सी रखी है ढाई डॉलर मैंने इसकी प्राइस रखी है और अब मैं टेम्पलेट लिखने लगा हूँ बिड करने लगा हूँ और जो मैंने अप्रोच रखी है वो मैं आपको वॉक थ्रू कराऊंगा साथ साथ मैंने सबसे पहले वॉर्नर साहब को जो है वो ग्रीटिंग्स किया है डियर वॉर्नर कॉमा दिस इज जस्ट अ जनरल वे आप इस पर ग्रीटिंग्स भी कर सकते हैं और बस खुदा वास्ता है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट गुड आफ्टरनून ना करना दैट रियली डज नॉट मेक एनी सेंस नीचे मैं जनाब इनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि थैंक्स फॉर रीडिंग माई रिस्पॉन्स टू योर प्रोजेक्ट कि आपका शुक्रिया आपने टाइम निकाला और आप मेरी बिड को देख रहे हैं आगे मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ मैंने आपका प्रोजेक्ट देख लिया है और ये मेरी एक्सपर्टीज के साथ मैच करता है यानी कि मैं वेब डेवलपर हूं इसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि जनाब मैं आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस प्रेस में बनाऊंगा तीन दिन के अंदर आई थिंक इफ ही सीज दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट समथिंग डन ए एस ए पी के तीन दिन के अंदर एक बंदा वेबसाइट फिनिश कर रहा है ढाई सौ डॉलर में तो ये एक बड़ी एक्साइटमेंट है जनाब यहां पे अब मैं मैजिक ट्रिक अप मैं स्लीव वार्नर भाई के लिए डालने लगा हूं और वो ये है कि वुड यू लाइक टू सी अ फ्री मॉकअप ऑफ योर वेबसाइट होम पेज विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स गौर कीजिएगा मैंने उसको ये नहीं कहा कि तुम्हारी पूरी वेबसाइट के डिजाइन और यू आई इंटरफेसिस में बनाऊंगा सिर्फ होम पेज का और वो भी चौबीस घंटे अगर मैं एक प्रोजेक्ट तीन दिन में खत्म करने का क्लेम कर रहा हूँ तो मौकअप तो मैं कम अज कम हफ्ता तो नहीं दे सकता ना वो भी मुझे एक दिन के अंदर ही खत्म करना है नीचे मैंने लिखा इफ यस yes, कैन यू प्लीज सेंड मी योर करंट लोगो सो आई कैन पिक दी कलर स्कीम एंड अप्लाई इन द मॉकऑफ डिज़ाइन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है मैंने ऑफर भी दे दी और सवाल भी पूछ लिया सवाल ये है कि मुझे पता है इन्होंने अपनी प्रोजेक्ट प्लेसमेंट में लिखा था कि जनाब मेरे पास कल लोगो ऑलरेडी मौजूद है और डिज़ाइनर से मैं एक्सपेक्ट करूँगा वेब डिज़ाइनर से कि वो उस लोगों के कलर स्कीम को पिक करे और मेरे वेबसाइट में डाले तो मैंने यही ऑफर इनको एज आ सवाल कर दिया कि जनाब अगर आप मुझे लोगों भेज देंगे आई विल बी ग्रेटफुल नीचे मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं कि मेरा दस साल से ज्यादा डिजाइन डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है और मैं मॉडर्न वेबसाइट्स बनाता हूँ और मैं ये भी बता रहा हूं कि जनाब आई हैव वर्क विद डिफरेंट कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज ये डाइवर्सिफिकेशन का इम्पेक्ट डालना खातन वह जरूरी है बिकॉज जब आप डायवर्सिफिकेशन का इम्पेक्ट डालते हैं एम्प्लॉयर को यह परसप्शन मिलती है कि यार ये बंदा वाकई काम जानता है दस साल वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है मेरे केस में आपके केस में आप दस साल निकाल दीजिएगा कुछ और डाल दीजिएगा बट नन द लेस आई एम जस्ट गिविंग यूर लुक एंड फील अ सेंस ऑफ बिट इज़ डन और ये बिल्कुल फ़र्क है जो हम प्रीवियसली करके आ रहे हैं आ, अब उसके बाद ज़ाहिर है अगर मैंने दुकान खोली है तो शेल्फ में प्रोडक्ट भी होनी चाहिए तो हमारे केस में फ्रीलांसर्स के केस में शेल्फ क्या है पोर्टफोलियो मैंने यहां पे इनको बताया कि जनाब प्लीज सी माय पोर्टफोलियो एट इन्फोमेंस डॉट कॉम स्लैश पोर्टफोलियो वो यहां पे जाएंगे वेब डेवलपमेंट का भी पोर्टफोलियो है लोगो डिजाइन का भी है ब्रोशर का भी पोर्टफोलियो और एन मुमकिन है कि ना सिर्फ वो मेरे वेब डेवलपमेंट के पोर्टफोलियो से इंप्रेस हों बाओ के बाद यह भी देखा गया है कि और भी काम मिल जाता है क्लाइंट कहता है जनाब ब्रोशर भी मुझे चाहिए या मुझे लेटर हेड और बिजनेस कार्ड्स भी चाहिए है. इसके बाद जनाब और मैंने इनको कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पी एम बी खोलें ताकि हम आगे बात कर सकें और उसके बाद खुदाफ़िज़ किया बेस्ट हिशाम सरवर मैंने अपना ई मेल एड्रेस डाला उसके बाद जनाब मैंने वेबसाइट एड्रेस डाला उसके बाद मैंने स्काइप के एड्रेस डाला इन्फॉर्मेशन दी और अब जब सब चीज़ें मैं एक दफ़ा दो दोबारा पढ़ लूँगा तो मुझे एक चीज़ जहन में आई है और वो ये है कि मैं एडिट करने जा रहा हूं और ये आखिर में सबमिट करने से पहले अपनी बेड को एक दफ़ा जरूर देखा करिए क्योंकि आपको कोई ना कोई एक ऐसी कैचलाइन मिल जाएगी जो आप मिस करें जैसे मैंने ये मिस किया कि मैं वार्नर को ये बताऊं कि जनाब विद वर्ड प्रेस यू कैन ईजीली एडिट डिलीट दुअल कॉन्टेंट ग्राफिक्स ऑफ ऑल द पेजेस ऑन योर वेबसाइट ये बड़ी एक्साइटिंग बात है कि उसको लगेगा कि यार ये वर्ड जो है एक तो ये एक ऐसा टूल है जिससे मैं अपने साइट के तमाम टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो है वो एडिट कर सकता हूँ मैंने इस बात को लिखा तो मेरे जेन में आया कि इसको और कंफर्ट देनी चाहिए फ्रीलांसर की जिम्मेदारी है कि अपने एम्प्लॉयर को कंफर्ट दे तो जनाब मैंने यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लिया कि आई कैन क्रिएट योर वेबसाइट इन वर्ड ब्रैकेट में नो no लाइसेंसिंग कि आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे इसके वर्ड फ्री होती है थीम मेरी जिम्मेदारी है मैं जो मर्जी लेके आऊँ फ्री लेके आऊँ या जो मर्जी करूँ बट एम्प्लॉयर को कम्फर्ट मिल रहा है कि यार फ्री लाइसेंसिंग पैसे कोई नहीं देने पड़ेंगे और मैं अपना साइट का कॉन्टेंट और ग्राफिक्स दोनों एडिट कर सकता हूँ जब ये काम ख़त्म करके मुझे देगा जनाब अब मैंने सारी बेड पढ़ ली एक चीज़ मेरे और जेन में आई कि जो सेकंड लास्ट पैरा है उसमें इंस्टेड ऑफ मी पोस्टिंग माई पोर्टफोलियो इन अ सेपरेट लाइन वाई नॉट पुश इट आफ्टर द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस तो वो बात की सीक्वेंस बन जाती है कि जनाब मैंने इन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए काम किया है और अब तुम मेरा पोर्टफोलियो देखो तो वो एक ही पैरा में अगर मैं ये बात लेके आऊँगा तो वो डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगी इस सारी बात के बाद मैं एक दफ़ा इस पूरी बेड को देखूंगा मुझे अच्छी लग रही है आई डोंट सी एनी थिंग रॉन्ग अल्लाह करेगा कि बेहतर हो जाएगा एक चीज और मैंने ऐड की जब मैं स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ तो इसको एक्साइटमेंट दिखानी चाहिए ना तो मैंने क्या किया जहाँ पे मैं मौकों की बात कर रहा हूँ उसको मैंने बोल्ड कर दिया और मैंने लिख दिया स्पेशल ऑफर और इस पूरे पोर्शन को मैंने अलग कर दिया अब मेरी बिड की जो सिंक्रोनाइजेशन है जो डिविजन है ऑफ पिचिंग ऑल द वे टू द एंड अब वो प्रॉपर हो गई है तो मैंने इस सारी बिड को एक दफ़ा सेलेक्ट करूंगा कॉपी करूंगा बाजू का दिया होता है आप अप्लाई का बटन दबाते हैं और इंटरनेट बंद हो जाता है या बिजली चली जाती है दोस्तों अब मैंने अप्लाई के बटन पर क्लिक किया और दो सेकेंड या तीन सेकेंड के बाद मुझे मैसेज आएगा कि आपने बिड सबमिट कर ये थी जनाब वेब डेवलपमेंट की बिड टेम्पलेट आपके पास एल एम एस में पड़ी हुई है उसको देखिए सीखिए अपने हिसाब से मोडिफाई कीजिए मिलते हैं किसी नई बिड में